सो आज का फर्स्ट वर्ड है होली। होली को हम इंग्लिश में होली बोलेंगे, HOLI। होली को हम रंगों के त्योहार के नाम से भी जानते हैं, तो रंगों का त्योहार इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे फेस्टिवल ऑफ कलर्स, फेस्टिवल ऑफ कलर्स। और कुछ दिनों बाद होली है, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली इन एडवांस। नेक्स्ट वर्ड है होलिका। होलिका को हम इंग्लिश में बोलेंगे बॉनफायर, बॉनफायर। नेक्स्ट वर्ड है जलाना या दहन करना, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बर्न, बर्न। नेक्स्ट वर्ड है चक्कर लगाना या परिक्रमा लगाना। जैसे हम परिक्रमा लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं होलिका के चारों ओर, तो चक्कर लगाना इसके लिए हमारे पास इंग्लिश में दो वर्ड है। पहला वर्ड है रोटेट और दूसरा वर्ड है रिवॉल्व, रिवॉल्व। नेक्स्ट वर्ड है कंडा। कंडा का यूज होता है होलिका में, तो कंडा इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे काव डंग केक, काव डंग केक। ये काव डंग का बना होता है, इसलिए इसका नाम है काव डंग केक। और गोबर, गोबर को हम इंग्लिश में बोलते हैं काव डंग, काव डंग। नेक्स्ट वर्ड है राख। राख जो होलिका दहन के बाद मिलती है हमको, तो राख, राख को हम इंग्लिश में बोलेंगे एश, एश। नेक्स्ट वर्ड है गुलाल। गुलाल को हम इंग्लिश में बोलेंगे कलर्ड पाउडर, कलर्ड पाउडर। नेक्स्ट वर्ड है पक्का रंग। पक्का रंग को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रॉन्ग कलर, स्ट्रॉन्ग कलर। पक्के रंग से हमें होली कभी नहीं खेलनी चाहिए, इसके बजाय हमें खेलनी चाहिए हल्के रंग से या कच्चे रंग से। तो कच्चा रंग इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सॉफ्ट कलर, सॉफ्ट कलर। नेक्स्ट वर्ड है पिचकारी। पिचकारी को हम इंग्लिश बोलेंगे वाटर गन, वाटर गन। नेक्स्ट वर्ड है पानी के गुब्बारे। पानी के गुब्बारों को हम इंग्लिश बोलेंगे वाटर बॉम्ब्स, वाटर बॉम्ब्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है भांग। भांग को हम इंग्लिश बोलेंगे हैम्प, हैम्प। अब बात करते हैं मिठाई की, तो मिठाई को इंग्लिश बोलेंगे स्वीट, स्वीट। नेक्स्ट है पकवान। होली पर तरह तरह के पकवान बनते हैं, तो पकवान इसको हम इंग्लिश बोलेंगे डिश, डिश। सो फर्स्ट स्वीट है गुजिया। गुजिया को हम इंग्लिश बोलेंगे स्वीट डीप फ्राइड डम्पलिंग, स्वीट डीप फ्राइड डम्पलिंग। नेक्स्ट है मालपुआ। मालपुआ को इंग्लिश बोलेंगे पैनकेक, पैनकेक। नेक्स्ट वर्ड है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन के लिए इंग्लिश में कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, आप इसे एज इट इज गुलाब जामुन ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मठरी। मठरी को हम इंग्लिश में बोलेंगे फ्लैकी बिस्किट, फ्लैकी बिस्किट। नेक्स्ट वर्ड है कचौड़ी। कचौड़ी को इंग्लिश में बोलेंगे पाए, पाए। नेक्स्ट वर्ड है पकौड़े। पकौड़े को इंग्लिश में बोलेंगे फ्रिटर्स, फ्रिटर्स। नेक्स्ट वर्ड है चावल की खीर। चावल की खीर को इंग्लिश में बोलेंगे राइस पुडिंग, राइस पुडिंग। मुझे चावल की खीर बहुत पसंद है, आप भी हमें लिखकर बताइए आपको क्या पसंद है। नेक्स्ट वर्ड है साबूदाने की खीर। साबूदाने की खीर को इंग्लिश में बोलेंगे सैगो पुडिंग, सैगो पुडिंग। नेक्स्ट वर्ड है होली खेलना। होली खेलना को हम इंग्लिश में बोलेंगे प्ले होली, प्ले होली। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ होली खेलूंगा, आई विल प्ले होली विथ माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है भिगोना, किसी को पानी वगैरह से, तो भिगोना इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ड्रेंच, ड्रेंच। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने उसे भिगो दिया, आई ड्रेंच्ड हिम, आई ड्रेंच्ड हिम। नेक्स्ट वर्ड है रंग लगाना। रंग लगाना को इंग्लिश में बोलेंगे अप्लाई कलर, अप्लाई कलर। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पक्का रंग मत लगाना, डोंट अप्लाई स्ट्रॉन्ग कलर, डोंट अप्लाई स्ट्रॉन्ग कलर। ये दोनों आज की क्विज है, गुजिया और पिचकारी। लिखकर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में इसके आंसर। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।